हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की जाता है कोरोना वीडियो में। मुझे यहाँ से निकालो, नरक की आग से निकालो। बहुत सारे लोग नरक जाने वाले हैं। नरक क्यों जाने वाले हैं? पाप करके, व्यभिचार करके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो। हे मेरे प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कब तक पाप करते रहोगे? कब तक व्यभिचार करते रहोगे? कब तक? क्या अंत नहीं? अंत है इन सब पापों का, अंत है। सुधर जाओ मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जो मसीह, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, कभी नाश नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। सेक्स वीडियो देखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। डाटा खोला, टाइप किया, एक्स 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 HD मूवीज खटाक से आया। अब उंगली से ढूंढने लगा कौन सा अच्छा ये वाला अच्छा, उस पर क्लिक किया। एक सच्चा मसीह जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, कीमती रक्त बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती था, वही मसीही रात में छिप कर अपने मोबाइल पे गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखता है। याद रखना, ऐसे ही पाप करते 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 अचानक किसी दिन मर गए तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या तो दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर ने दूसरी मृत्यु दे के रखा है। जितने लोग मसीह यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो एडल्ट्री पाप विचार से लिपटे हैं, लगे हुए हैं, तो याद रख लेना, परमेश्वर इनका भाग, झूठों का भाग, नरक की झील में दूसरी मृत्यु जिसको ठहराया खुदा ने, दूसरी मृत्यु दी जाएगी। गेहूं अलग किया जाएगा, भूसी को आग में डाल दिया जाएगा। गेहूं को उठा लेगा, भूसी को छोड़ देगा, भूसी को जलने के लिए छोड़ देगा। याद रखना, हमें उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहना है, उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हमें नहीं बनना है। 5 मूर्ख कुंवारियां नहीं तैयार थी, आज वैसा ही हो रहा है। आज हमारे मसीह भाई बहन आज लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, लड़की को मनाने में लगे हुए हैं। वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं बोलना ना बंद कर दे, यही तो हो रहा है। आज लड़कियां शादी से पहले कितने घिनौने गंदे नंगे पाप करती हैं, शादी से पहले होठ पर लिपस्टिक लगाती है, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाती हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक और गंदा भयंकर पाप है, जिसकी सजा मौत है, मौत है। याद रख लेना, जब परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करके जब नरक की झील में डालेगा, तो आप पर एक दूसरे को खूब लबी लबी कहना और खूब सेक्स वीडियो देखते रहना, उस समय रोते रहना और चिल्लाते रहना, उस समय नरक की झील में इतना हाहाकार मचा होगा। आज बहुत सारे लोग मसीह में सोचते, मैं पाप भी कर लूंगा और परमेश्वर मुझे नहीं देखता है, शायद मुझे कोई नहीं देखता है, तो आप गलत हो। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 34:21 में, परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पे लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सके। रॉन्ग टीचिंग, जीजस वार्निंग, व्यभिचार एक मीठा जहर। परमेश्वर का वचन कहता है आप चाहे जहां छिपके पाप करो, आप इंसान से, मनुष्य से छिपके पाप कर सकते हो। याद रखना, जितने आप पाप कर रहे हो परमेश्वर देखता है। CCTV कैमरा फेल हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की आंखें कभी फेल नहीं होंगी। जो आप पाप करते हो रूम में छिपकर, झाड़े में छिपकर, टीले में छिपकर, अंधेरे में छिपकर, जो आप पाप करते हो, विचार करते, गर्लफ्रेंड बनाते, सेक्स वीडियो देखते हो, ऐसे पाप, घिनौने नंगे गंदे पाप करते हो, तो याद रखना परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है। परमेश्वर तेरा न्याय करने के लिए बैठा है, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम ये काम करो और परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग भी देगा। परमेश्वर ने कहा है संचेत रहो, जागते रहो, कहीं तुम पर अचानक वह दिन फंदे के समान ना पड़े। मसीह विरोधी का दिन, परमेश्वर का दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े। मगर हम तो आज जाग का रहे, हम तो आज एक लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उस लड़की से बात करने में लगे हुए हैं, सेक्स वीडियो देखने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, गंदे नंगे घिनौने पाप करने में लगे हुए। छोड़ दो। याद रखना, ऐसे कचड़ा बटोर के परमेश्वर स्वर्ग कभी नहीं देगा। रॉन्ग
टीचिंग आप गलत है दयावैसी सोच रखने वाले मसीह को मैं चेतावनी देता हूँ, परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम ये काम करो, तुम पाप भी करो, शारीरिक संबंध में ना हो, लड़कियों से बात करो, गर्लफ्रेंड बाप बनाओ, 12-12 बजे उठकर लड़कियों से बात करो तो परमेश्वर आपको सुरख देगा? नो, कभी नहीं देगा, आप गलत हो, सुधार लो और बचा लो, परमेश्वर आपको नाश करने वाला है। अगर आप टाइम से पहले सुधर गए तो आपको परमेश्वर बचा लेगा, वरना चुनाव आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में, जीवन मौत की बातें याद सामने रखी, चुनो और डिसाइड करो, प्रभु आपके मन की आंखें खोले, ज्योति में करे सबको, जय मसीह की, गुड लक, आमीन।